नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, वरिष्ठ न्यूरोलॉजी, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज मैं आपके सामने मिर्गी के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मिर्गी, या फिर जिसको हम आम तौर पे दौरा कहते हैं, ये पैदा क्यों होता है। मिर्गी या दौरा एक तरंग है जो दिमाग से पैदा होती है, एक जिसको हम शॉर्ट सर्किट या करंट कहते हैं, जो दिमाग से पैदा होके जब पैदा होती है उससे चलते हमें मिर्गी पड़ता है। मिर्गी या दौरे के सिम्टम्स या लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉमनली मिर्गी या दौरा कहते हैं जब हमारे हाथ पाँव में ऐंठन हो जाती है, हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आता है, दांत बिछ जाती है, कभी कभी पेशाब भी निकल जाती है और हम बेहोश हो जाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स आम तौर पर जिसको हम मिर्गी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई भिन्न प्रकार के सिम्टम्स हैं जो मिर्गी के दौरे होते हैं और जिसको हमें पहचानना या हमें ज़रूरत होती है उसको हम समझ सकें। जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं बच्चों में, अचानक से बच्चे गुमसुम हो जाते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर वापस आ जाते हैं, या बच्चे को आँख बार बार इस तरह से फड़कना, ये भी एक दौरे के लक्षण होते हैं। ऐसे दौरे दिन भर में कई बार प्रकार में कई बार पड़ते हैं, जिसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। अगर हम और दौरों के बारे में बात करें जिसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स इस तरह के दौरे होते हैं जिसमें आदमी अचानक से गुमसुम हो जाता है। ये आमतौर पर बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। गुमसुम होने के साथ साथ मरीज का हाथ में ऐंठन भी आ सकती है, मरीज के गर्दन में टेढ़ापन भी आ सकता है, मरीज अपने आप से मुंह चलाता है जैसे कि जैसे वो कुछ चबा रहा हो, और इस दौरान उसको कुछ भी पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद अगर हम मरीज से पूछते भी हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे दौरों को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के दौरे जो कॉमन हम देखते हैं, जनरलाइज सीजर्स जिसके बारे में सबसे पहले मैंने बताया, एब्सेंट सीजर्स और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, मिर्गी के दौरे कॉमनली हम लोग देखते हैं या तो 20 साल के कम बच्चों में या 50 साल से ज़्यादा अधिकतर लोगों में। अगर अब मैं बात करूँ मिर्गी या दौरे होते क्यों हैं, बनते क्यों हैं, मिर्गी या दौरों की कई वजह होती हैं। कुछ वजह ऐसी होती हैं जिसमें कभी भी अचानक से दौरे पड़ सकते हैं, जैसे कि शुगर का डाउन हो जाना, सॉल्ट की कमी हो जाना, नमक की कमी हो जाना, या फिर एक लकवे के बाद भी दौरा पैदा हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकली बीमारियां होती हैं जिसमें ये बार बार दौरे पड़ते हैं, जैसे कि अगर हम बचपन में बच्चों की बात करें तो बचपन में बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कभी कभी ऑक्सीजन की कमी आती है दिमाग के अंदर। जैसे कि जब बच्चा देर से रोता है तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिमाग के अंदर, जो आगे चल के निरंतर बार बार मिर्गी के दौरे पैदा करती है। या फिर बचपन में कोई दिमाग में चोट लग जाना, उससे भी मिर्गी के दौरे पैदा होते हैं बाद की उम्र में, या फिर स्ट्रोक या लकवा का होना। ऐसे कई बीमारियां होती हैं जिसके चलते बार बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कुछ वजह जेनेटिक भी होती है। जेनेटिक वजह ऐसी होती है जिसमें आपके ऊपर के जनरेशन में बीमारी होती है मिर्गी की, जो नीचे वाले लोगों को भी, नीचे जनरेशन में भी मिर्गी के दौरे पैदा होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये सारी की सारी वजह होती हैं, और अब हम आपके सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं, अगर किसी को मिर्गी या दौरे पैदा होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मिर्गी या दौरे कभी भी किसी को आते हैं तो उस समय पेशेंट के मुंह में कुछ डालना, पेशेंट के मुंह में कुछ कपड़ा डालना जिससे कि कहें कि हम पेशेंट दांत से ब्लड ना आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो दौरा है पेशेंट को एक तरफ लेटा दें, एक करवट से लेटा दें, आसपास के शार्प ऑब्जेक्ट्स को हटा दें ताकि उससे कोई इसको चोट ना लगे, और पेशेंट को जोर से पकड़ना नहीं चाहिए। जो मिर्गी के दौरे होते हैं ये अपने आप 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम पेशेंट को ज़बरदस्ती पकड़ें तो उसको चोट पहुंचने का डर होता है। हाँ, कभी कभी ऐसे दौरे होते हैं जो ज़्यादा, जो 5 मिनट या 10 मिनट भी चलते हैं, उसको हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसे टाइम पे तुरंत आपको पेशेंट को आसपास के अस्पताल में ले जाना चाहिए और साथ ही साथ डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि आपके मरीज को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके। पेशेंट जो दौरे और मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास हमेशा टाइम टू टाइम निरंतर पेशेंट को अपने कंसल्टेशंस के लिए जाना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो
पेशेंट्स, मिर्गी के पेशेंट्स के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशंस पे हम जाएं तो हमारे पास दो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम लोग करते हैं। एक EEG जिसमें हम दिमाग में तारों के साथ तारे लगा के उनके तरंगों के बारे में जांच करते हैं, और एक MRI से कॉमन वजह हमें पता चलती हैं कि ये मिर्गी पड़ेगी। ऐसी वजह हमें 30 से 40% में पेशेंट्स में आराम से पता चल जाती है जिसकी वजह से दौरे पड़ेगी हुए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं मिर्गी के दौरों की, जिसमें कि दवाएं हैं, पुरानी दवाएं भी हैं, नई दवाएं भी हैं। अगर मैं बात करूँ 80 से 90% पेशेंट्स नॉर्मली एक या दो दवाई में ही दौरे क्योर हो जाते हैं। तकरीबन तकरीबन 10 से 15% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम सर्जरी के दौरान मिर्गी को ठीक कर सकते हैं। सर्जरी क्यों की जाती है? सर्जरी ऐसे पेशेंट्स में की जाती है जिनमें दौरे कंट्रोल नहीं हो पाते हैं दवाइयों के बावजूद, और उनमें उस दिमाग के हिस्से को हम बाहर निकाल लेते हैं जहाँ से दौरे पैदा हो रहे होते हैं। देखिए, इन सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, ये आज के टाइम पे निरंतर नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसमें एक एपिलेप्सी पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकता है और सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। एक लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी पेशेंट्स को अपने कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने हमेशा ध्यान देनी चाहिए। एक तो निरंतर उसको दवाई लेनी चाहिए, अपनी स्लीप साइकिल को नॉर्मल रखना चाहिए, जैसे कि 7 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप लेनी चाहिए, दवाई टाइम टू टाइम बिना गैप दिए देना चाहिए, और एक रेगुलर विजिट्स पे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, और ऐसे भी देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा TV, ज़्यादा फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि वो पैदा होने के मिर्गी के दौरे पैदा होने के डर होता है। सबसे अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों पे पेशेंट्स को हमें सोसाइटी में एक 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 नॉर्मल पेशेंट्स की तरह हमें रखना चाहिए, जिसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आए कि ये मरीज़ मिर्गी के दौरा है, ताकि हम इसको सेक्लूडेड या हटा के रखें। अगर हम ये सारी चीज़ें मिलके रखेंगे तो हम और आप मिलके ही मिर्गी के दौरे पेशेंट्स को और मिर्गी को जड़ से मिटा सकते हैं। थैंक यू।